हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। खजाने से भरा हुआ है चांद और इसरो को मिल सकती है बड़ी सफलता। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आज की न्यूज में। मैं आपको चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई हर एक बात बताने जा रही हूँ, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 2 करके एक कमेंट जरूर करते हुए जाइए। और आप कितने ज्यादा खुश है कि इसरो को सफलता मिल रही है और वहां की जानकारी इसरो तक पहुंच पा रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चंद्रयान 2 मिशन जो था वो एक्चुअली में कुछ टाइम पहले की ऐसी सब चीजें हुई कि इसरो के जो साइंटिस्ट थे वो डर गए, क्योंकि विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। और विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, पर फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। और जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर के कैमरा की फोटोज की मदद से विक्रम लैंडर को ढूंढ लिया गया है और विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश की भी जा रही है। और उसी के साथ हमने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि वहां पर विक्रम लैंडर सिर्फ कुछ दिन तक ही रह पाएगा, क्योंकि चांद पर धूप आनी बंद हो जाएगी। वहां का जो टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसी के साथ अभी ये खबर आई है कि चांद पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका खोज उन्होंने की है, और उसी के साथ वहां पर मेटल और हीलियम 3 गैस मिलता है। और हीलियम 3 गैस से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और उसी के साथ जो गैस वहां पर मिलती है, आने वाले दिनों में उसको यूज करके यहाँ पर बहुत ही अच्छा कुछ चीज निकाली जा सकती है और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। और एक साल तक 2 शहरों में कम से कम उस गैस को यूज करके उससे बिजली प्राप्त की जा सकती है और उन 2 शहरों को प्रॉपरली बिजली भी मिल सकती है। अगर इस चीज में इसरो सक्सेस हो जाता है, हीलियम 3 गैस में सक्सेस हो जाता है वहां से लाने के लिए, और विक्रम 3 लैंडर के साथ कॉन्टेक्ट करने के साथ अगर वो सब चीजें हो जाती है तो हमारे इंडिया का नाम बहुत ऊपर आ जाएगा, हमारे इसरो के साइंटिस्ट का नाम बहुत ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली खोज अभी तक किसी ने नहीं की है। और उसी के साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और हमारा इंडिया का भी नाम काफी ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो चंद्रयान 2 को लेके है और वहां पर और भी ज्यादा खोज की जा रही है। और वैसे तो ये जो मिशन है वो 95% सक्सेस हो चुका है और इसरो का सिर्फ और सिर्फ यही था कि विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है, जो कि नहीं हो पाई है। और जो उनको डिटेल चाहिए वो प्रॉपर डिटेल उन तक पहुंच रही है और वो प्रॉपर डिटेल ऑर्बिटर से पहुंच रही है, क्योंकि ऑर्बिटर में जो कैमराज लगे हुए हैं वो कैमराज वहां की फोटोज खींच के लगातार भेजे जा रहा है। और उन फोटोज का ऐसे नहीं है कि आपकी और हमारी कुछ फोटोज खींची जा रही है, ये फोटोज ऐसी रहती है कि वहां जो मिट्टी है, वहां के जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फोटोज खींचता है और वहां पर क्या केमिकल है, क्या पदार्थ है, क्या गैस है, सब चीजों के बारे में ऑर्बिटर ही बता देता है। तो आई होप गाइज इसके बारे में जान के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए कि आपको चंद्रयान 2 जो मिशन था वो 95% सक्सेस हो गया तो कैसा लग रहा है। तो जो सब चीजें हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।